नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा विकार है जिसमें बोन मैरी की वे कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं जो आगे चलकर परिपक्व रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाओं और या प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। इसी बीमारी से ग्रसित आजमगढ़ के विकासखंड सठियाओं क्षेत्र के ग्राम पंचायत सीही निवासी 20 वर्षीय गरीब लाजार मजदूर विवश पीड़ित रामजीत चौहान, जिसका इलाज पीजीआई लखनऊ में चल रहा है। पीजीआई के डॉक्टरों द्वारा 15 लाख का एस्टीमेट दिया गया है और ब्लड की आवश्यकता है, जिसमें बड़ी मशक्कत के बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख और प्रधानमंत्री राहत कोष से 3 लाख कुल 5 लाख की सहायता मिली। अभी 10 लाख की आवश्यकता है, लेकिन इसका इंतजाम कहां से हो परिवार को समझ नहीं आ रहा है। पिता भट्टे पर मजदूरी करके किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते रहे। इस परिवार के पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, ना ही कोई और रास्ता जिसमें अपने बेटे का इलाज करा सके। इसी बीच किसी ने उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता रामकुमार यादव के बारे में बताया, जो गरीबों की मदद के साथ अपनी झोली तक लोगों के सामने फैला देते हैं, जिसका परिणाम यह रहा कि आज रामकुमार यादव ने गांव और क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर पीड़ित रामजीत चौहान की मदद के लिए सीही गांव में झोली फैलाई और ग्रामीणों ने भी इसमें दरियादिली दिखाई। भिक्षाटन के प्रथम दिन शुक्रवार को 62,521 रुपए से समाज सेवी रामकुमार यादव की झोली भर दी और लोगों को आश्वासन दिया कि वह हर संभव मदद करेंगे। मगर क्या यही अमृतकाल जहां जिंदगी की भीख मांगनी पड़ रही है? देश में प्रधानमंत्री ने दावा कर रहे हैं कि हर दिन हॉस्पिटल खुल रहा है। जरा सोचिए, अगर हमारा समाज ऐसी पहल ना करे तो क्या हो। बहरहाल आपसे भी हमारी अपील है कि इस सहयोग को अपना हिस्सा बनाए ताकि एक जिंदगी बच सके। अपना परिचय देते हुए, आज आपके क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में इस तरह का मामला मसला है कि आप किस तरह से मदद कर रहे हैं इस युवक की, और क्या अपील करते हैं क्षेत्रवासियों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं। मैं राम प्रवेश यादव दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हूं और हम लोग अप्लास्टिक इमिनिया से पीड़ित भाई अंगद चौहान जी, जो बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है, इसके पिताजी ईंट भट्ठा पर काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, यह असमर्थ है इलाज के लिए। डॉक्टर ने इन्हें 15 लाख का एस्टिमेट बनाया है, जो कि यह हमारे जब संपर्क में हम लोगों के आए तो हमने कहा कि हम लोग रामकुंवर भाई और हम कि गांव-गांव में हम लोग मुहिम, एक कैंप टाइप, जैसे आज हम लोग इसी गांव में इनके ही गांव में आकर कैंप लगाकर और लोगों से, पूरे गाँव के लोगों से निवेदन करने का काम किया कि आप अगर जो कोई बात नहीं है, आप जितना भी मदद करना चाहते हैं इस बच्चे के जीवन के लिए आप मदद करिए। और इस गांव के सभी लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया, मदद किया। इसके बाद अगले दिन हम लोग हर गांव में कैंप के माध्यम से कैंप लगाकर वहां के लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात को उनके बीच में कहेंगे और इस गरीब बच्चे की मदद के लिए गुहार लगाएंगे और गुहार लगाकर इस मदद करा कर इस बच्चे का ट्रांसप्लांट कराने का काम करेंगे। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, ऐसे में आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या सरकार का यह दायित्व नहीं होता है इस तरह की बीमारियों को कोई कोष ना हो, पूरी पूरा खर्च सरकार उठा ले? मैं तो सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे मरीज जो इतने लंबे खर्च हैं, 15 लाख 20 लाख रुपये खर्च हैं, गरीब परिवार जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, वह कहाँ से पैसा इतना लाएगा कि जो अपने बच्चे की इलाज कर सकता है? वो मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे का जीवन यापन अपने परिवार का करेगा कि इतना लंबा इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को पूरे पैसे, जितना भी इस्टीमेट है उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है, वहाँ पैसे पेमेंट कर देना चाहिए और ट्रांसप्लांट हो जाए, इस गरीब बच्चे की जान बच सके। मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? आपके संपर्क भी बड़े होंगे और आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपका क्या प्रयास? हम लोग इनको अब लेकर हमसे जो मदद है वो मदद भी करेंगे पूरी भरपूर, और उसके बाद हमारे संपर्क में जितने लोग हैं सबके यहाँ इस बच्चे को लेकर जाने का काम करेंगे और चढ़ बढ़ कर मदद करने का काम करवाएंगे इस बच्चे का। करा देंगे आप एकदम, हम लोग इसकी मुहिम लेकर चले हैं कि ईश्वर ने अगर हम लोगों की इस बच्चे की कृपा किया तो हम लोग इसको जान बचा लेने का काम करेंगे, पैसा से हम लोग मरने नहीं देंगे बच्चे को। की पहल करते आ रहे हैं, आज आपका क्या उद्देश्य है? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारा नाम रामकुमार यादव है, हम तरवा क्षेत्र के रहने वाले हैं।
जनपद आजमगढ़ हैं। हमको संज्ञान में इसी गांव सीही के जो छठियां ब्लॉक का सीही गांव है जहां हम लोग मौजूद हैं, इसी गांव का एक नौजवान साथी अंगद यादव ने हमारे संज्ञान में और यहां के जिला पंचायत सदस्य भाई राम प्रवेश जी ने हमारे संज्ञान में लाया कि एक लड़के को प्लास्टिक एनीमिया रोग से ग्रसित है जो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। तो हमने यहाँ आने का काम किया और मुहिम के माध्यम से इस नौजवान बच्चे का, इस नौजवान साथी का जीवन बचाने के लिए हमने इस गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, जनपद के लोग, देश प्रदेश के लोग से अपील कर रहा हूँ कि मां 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर आप मदद कर देंगे, एक छोटी सी मदद कर देंगे तो इस नौजवान की सांसें थमने से बच जाएगी, ये नौजवान अपना जीवन सुचारू रूप से जिएगा। इसके पूर्व में भी हमने असहाय पीड़ितों जो गंभीर रूप से बीमार थे, कैंसर, किडनी, गुर्दा, हार्ट के मरीज जो है, हमने तमाम लोगों की मदद किया है, वो सुचारू रूप से अपना जीवन इस धरती पर जी रहे हैं। उसी मुहिम का हिस्सा हमने इस नौजवान साथी रामजीत चौहान जो 20 वर्षीय है, ये बहुत ही गरीब परिवार का बेटा है, इसके पिताजी जो है भट्ठे पर मजदूरी का कार्य करते हैं और भट्ठे पे ईंट पाट करके जो है अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और आज के ज़माने में कितना मजदूरी मिलती है एक ईंट पाटने वाले को भट्ठे से, अब वही परिवार जानती होगी। ऐसे स्थिति में जो है नौजवान बेटा जो पढ़ लिख करके आगे कमाने और परिवार के बारे में, विकास के बारे में सोचने की बात जब तक दिमाग में आई तब तक ये बेचारा जो है रोग से ग्रसित हो गया, वो भी गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। और मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इस नौजवान साथी को इनका जीवन बचाने के लिए, इनकी ज़िंदगी और सलामती के लिए आप लोग दिल खोल करके मदद करें और इस बेचारे का जीवन बच जाए, ये भी अपने गांव गली में जो है हंसते हुए खुशहाल जीवन जिए। रामजीत जी, कौन सी बीमारी है आपको, कब जानकारी हुई इसकी? प्लास्टिक एनीमिया 2022 में रिपोर्ट आया था, 10 तारीख को रिपोर्ट आया था कि यह प्लास्टिक एनीमिया है 2022 में। कब आपको चेक कराना पड़ा, क्या दिक्कत हुई थी? पहली बार मतलब जैसे बुखार के जैसा लगा, सर दर्द करने लगा, बुखार की दवा खाने से आराम नहीं हुआ, तो फिर ब्लड जाँच हुआ तो उसमें ब्लड कम था, फिर उसके बाद एडमिट हुआ यहाँ पे चक्रपानपुर PGI, तब वहाँ पे बोन मैरो जांच डॉक्टर लिखे, तब उसमें निकला कि मतलब ये प्लास्टिक एनीमिया हो गया है और यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, लखनऊ PGI में इसका इलाज होता है, वहीं पे डॉक्टर यहाँ के रेफर कर दिए आजमगढ़ PGI के। हाँ, चक्रपानपुर PGI। तो क्या दिक्कत शुरू में हुई थी आपको? शुरू में यही दिक्कत हुई थी, बुखार जैसा था, बुखार की दवा खाने से आराम नहीं होता था, फिर धीरे धीरे मतलब ऐसा डॉक्टर बोला जांच करने के लिए, तो जांच कराए तो उसमें ब्लड कम था, इसी मतलब ऐसे करके ही। तो कितने दिनों से इलाज चल रहा है, कहाँ चल रहा है आपका इलाज? 2022 से इलाज चल रहा है, दिसंबर से लखनऊ PGI से। अब किस तरह से आप पैसे की व्यवस्था, घर में कौन कौन है और पैसे की व्यवस्था किस तरह से हो रही है इस दवा के लिए? कमाने वाला कौन है? मेरे घर पर मैं बड़ा, अपने घर में सबसे बड़ा हूँ मैं, पहले जब ठीक था तो कमाता था, अभी मेरे पापा हैं वो भी मतलब परेशान है मेरे को ही लेके, पापा भट्टा पे ही पाते हैं। कितने सदस्य हैं आपके घर? अभी तो 3 लोग हम लोग हैं, कमाने वाला बस पापा हैं सिर्फ अकेले। बीमारी में लगभग कितने का खर्चा बताया डॉक्टर ने? 15 लाख का एस्टिमेट दिया है और बोला है कि 12 से 15 लाख PD अकाउंट में जमा होगा तो इलाज चालू होगा। कौन से हॉस्पिटल में? लखनऊ SGPGI। सरकारें तो बड़ी बड़ी दावे करती है जो है कि ऐसे ऐसे मतलब पैसा मिलता है, तो आपके पास आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं, किस तरह से अब इलाज हो रहा है आपका? अभी इलाज में मतलब वही एक बार 6 लाख का एस्टिमेट डॉक्टर दिया था अगले साल, तो उसमें मुख्यमंत्री द्वारा 3 लाख का एस्टिमेट पास हुआ था, तो उसमें दवा से मतलब डॉक्टर पहले दवा चलाया, आराम नहीं हुआ, तो अभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहा है पैसा, उसमें मतलब कब ख़त्म हो गया था, वो पैसा ख़त्म हो गया था दवा से, तो फिर दोबारा मतलब ट्रांसप्लांट कराने के लिए एस्टिमेट दिया है।
तो अभी मतलब मुख्यमंत्री को सिर्फ 2 लाख और प्रधानमंत्री को सिर्फ 3 लाख मिला है, दो टोटल 5 लाख रुपया मिला है। माध्यम से वो पैसा मिला है, कैसे आप गए थे वहाँ, वहाँ तक लाभ कैसे आपको मिला है? वहाँ तक का लाभ वहाँ पे मतलब एक पेपर मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री कोष से सहायता के लिए क्षेत्रीय विधायक से कम संपर्क करें और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोष से सहायता के लिए क्षेत्रीय सांसद से संपर्क करें। तो उन कार्यालय पे जाके मतलब दिया इस्टीमेट और अपना डॉक्यूमेंट्स, आयजात निवास, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो लोग दिया, तब वो लोग से मतलब मदद मिली। अभी आपके इलाज में कितने पैसे की कमी हो रही है? अभी मतलब 10 लाख रुपए की कमी हो रही है जिसमें मैं असमर्थ हूँ। तो किस तरह से गांव के और सम्रांत लोग आपकी मदद में आगे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मदद के लिए सबसे पहले मेरे गांव के अंगद यादव और विधायक से भी तो सभी लोग आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ होने जा रहा है। कितने की जरूरत है और किस तरह से मदद लोगों से मांगेंगे आप? कोई अकाउंट वगैरह है सोशल मीडिया पे आपका? कोई अकाउंट है? क्या अकाउंट नंबर? अगर आपको कोई मदद देना चाहे तो किस तरह से आप उससे मदद लेंगे? अकाउंट नंबर क्या है? अकाउंट नंबर है 4880201100976। उसका किस ब्रांच में शाखा है? शाखा यूनियन बैंक में है, खुजिया में। खुजिया मुबारकपुर आजमगढ़। आईएफएससी कोड उसका UPI 054-88-04। ये यूनियन बैंक का? हाँ। मुबारकपुर शाखा? हाँ। आजमगढ़? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद यादव है, मैं इसी रामजीत के गांव का ही हूँ। कोटेदार है? जैसा कि आज गांव के लोगों ने मुहिम की है कि हम अपना राशन छोड़ देंगे 2 महीने का राशन, आप लोगों के निवेदन पर, कुंवर जी के निवेदन पर, तो कितना अमाउंट हो जाएगा और किस तरह का प्रयास है, कैसे आप लोग प्रयास? देखिए हमारे कोटेदार हमारे पिताजी हैं और जो गांव के सभी लोग अगर छोड़ देंगे तो जानकारी पिताजी दे देंगे कितना अमाउंट मिल जाएगा, वो सब लोग इनको दे दिया जाएगा। लमसम 2 के ऊपर ही जाएगा, 2 लाख के ऊपर ही जाएगा। एक माह का 2 माह का 4 लाख जी, जो भी होगा सब उनको दे दिया जाएगा। पूरा मदद करने का जी, मैं पूरा हम लोग मदद करेंगे। मैं इसी गांव का हूँ, मैं एक दिन घूम रहा था रामजीत मेरे पास शाम को आया, बोला चाचा पैसा पूरा नहीं जुट पा रहा है। बोला ठीक है नहीं जुट पा रहा है, तो मैं हमारे बगल में वो पीजी कॉलेज चलाते हैं, माँ प्रभावती पीजी कॉलेज चलाते हैं, अवधेश यादव, आगे से बताओ इधर जा, अवधेश यादव माँ पीजी कॉलेज चलाते हैं, तो उनसे मैं संपर्क किया, फ़ोन किया, बोले ठीक है सुबह को उनको लेकर आइए। मैं उनको सुबह को लेकर गया तो उन्होंने हमारे माँ प्रधान राम परेश यादव को बुलाए और बताए, इनके हमारे जो राम कुमार यादव समाज सेवी, इनके बारे में बताए हम लोगों को कि आप लोग उनसे संपर्क करिए तो पूरी आप लोगों की समस्या जो है कि लगेंगे आप लोगों के साथ, हो सकता है कि आप सही हो जाए। तो हम उनसे संपर्क किए और ये पूरा प्रयास जो है सभी लोग कर रहे हैं, मिल रहा है। ठीक जी, भट्टा को मजदूरी करी लड़का बीमार भल, कैसे पता चल कितना खर्च है? लड़का बीमार भल, बहुत इलाज भल, तब पता चल कि प्लास्टिक एमोनिया, तो लखनऊ का इलाज चलत है। कितने खर्च हो? कितना? 15 लाख खर्च है। सरकार की तरफ से कोनो मदद मिले? 5 लाख मिलल, 3 लाख यार से, 2 लाख यार से। तो का भेल ऊपर पैसा? पैसा 5 लाख है, 10 लाख का जरूरत है। तो गांव वाले भी आपको मदद करते हो और बाकी लोगों से का कहना चाहते हो? अब जीवन सफर है अपन भाई, जब मतलब सबसे मांगा चलक जो ना 1-2 रुपया होगा तो ना सहाय करो हमें। लड़का जी जाए? हाँ। का आपका करीला? भट्टा पर ईटा पाथ है। कितनी कमाई है? 400-500 कमा ले लें, कभी 2-3 महीना काम चल रहा कल जी आओ क्या लगे, इतने अपने पास ब्याह तो है ना कि अपने पैसा लगाए कहीं से। कितने खर्च की जरूरत है? पंद्रह लाख का। तो गांव वाले कैसे मदद करते हो आपको?
चंदा लगा करके सब वोट लेकर तो मदद करल जाते इतना काम पूरे हो सब लोग अपन जो रुपया जे के सपरे तो तेवल दे तो हमरे लड़का के दवाई करे और सरकार से का कहल चाहत सरकार से मदद मांगल गल तो 5 लाख मिल लिया सरकार दे लिए अब सरकार कहते हमर उतना हम दे देंगे दे दे दे। का चाहत इन क्षेत्रवासियों से का चाहत है गांव घराव से का चाहत है सहयोग चाहत है कि हमर लड़का का इलाज हो अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।